फोटोग्राफ। क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छे। इससे पहले रितेश बत्रा की हमने लंच बॉक्स देखी थी तो वो भी बहुत पसंद आई थी, और ये मूवी भी बहुत ही अच्छी है। ये मूवी में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर और एक स्टूडेंट की केमिस्ट्री दिखाई है। बहुत ही अनयूजुअल लव स्टोरी है और बहुत ही यूनिक और स्पेशल बॉन्ड है दोनों के बीच में, कि वो किस तरह अपनी दादी माँ को खुश करने के लिए दे प्रिटेंड दैट दे आर कपल, और उसमें वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे दिखाए हैं जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही रॉ कैरेक्टर्स हैं, और डायरेक्शन बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंसेस तो है ही लाजवाब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा को इससे पहले हमने बधाई हो में देखा था, दंगल में देखा था, फटाका, तो वो हर फिल्म में एक अलग अलग किरदार ले करती आ रही है और बहुत ही अच्छे किरदार प्ले कर रही हैं। और नवाजुद्दीन तो हमें पता ही है कि कितने बड़े यू नो स्टार हैं, कितने वाइड रेंज ऑफ रोल्स ही हैज़ डन। सो दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी जी बिल्कुल, जैसे लंच बॉक्स देख के लगा था कि बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, आपको लगा था कि ये मूवी नहीं है, बिल्कुल वैसी ही है। आपको लगेगा कि कोई रियल लाइफ स्टोरी चल रही है आपके सामने और वो ख़त्म हो गया, आपको पता भी नहीं चला। ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसमें लगता है आपको, लंच बॉक्स में नवाज का या लंच बॉक्स में? इरफान खान थे तो उनका, वो भी बहुत बेमिसाल एक्टर हैं, और नवाजुद्दीन तो हर मूवी के साथ उनका ग्राफ ऊपर ही जाता है जा रहा है, तो ये मूवी में भी उन्हें बहुत ही अच्छा एफर्टलेसली उन्होंने मतलब एक्ट किया है, कहीं भी कोई एफर्ट नहीं दिखा, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही अच्छा रॉ कैरेक्टर। डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, बत्रा के बारे में? डायरेक्टर रितेश बत्रा का, जैसे लंच बॉक्स का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, ये मूवी का भी डायरेक्शन बहुत अच्छा है। आई थिंक मास एंटरटेनर एक है कि बहुत स्लो पेस्ड है, तो लोगों को आइटम सॉन्ग चाहिए, म्यूजिक बहुत धमाकेदार चाहिए, तो उस तरह से शायद मास एंटरटेनर, बट इट्स फॉर निश ऑडियंस, बट सबको देखनी चाहिए क्योंकि कॉमन मैन की स्टोरी है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट। मैं फोटोग्राफी देख के आया हूँ सर। फोटोग्राफी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत रियलिस्टिक मूवी है, एकदम जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ होती है जहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक और वो कुछ नहीं चलता, एकदम नॉर्मल चीज़ें रहती हैं, वैसी ही रहती है। और उसमें हमें एक डिफरेंस बताया कि हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं, अगर हमें कोई अपने नीचे लोगों से प्यार हो जाता है तो हमें सोसाइटी कैसे देखती है और कैसे हमारे जो सपने होते हैं टूट जाते हैं जो हम करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। और इसकी जो एंडिंग है वो हम उन्होंने ऑडियंस पे छोड़ी है कि ऑडियंस क्या सोचती है, क्या सोच सकते हैं हम, तो इसमें आप अल्टरनेटिव एंडिंग बना सकते हैं। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, वो तो लेजेंड है, और उनकी एक्टिंग जो ऐसा होता है ना, ऐसी मूवी होती है, रियलिस्टिक मूवी होती हैं, तो उन्होंने एकदम बहुत सटल, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एकदम आपको एक्टिंग नहीं लगेगी, वो लगेगा कि कोई एक किरदार निभा रहे हो, एक परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हम आम जीवन में करते हैं। कितनी अच्छी लव स्टोरी लगी आपको, एक अलग तरह का फ्लेवर देने की कोशिश की? मैं किया गया है कि ये मेरी हम कपल है। हाँ, इसमें ऐसा बताया ना, जैसे हम लव स्टोरी में सोचते हैं कि गाने चलेंगे, प्यार होगा, ये ऐसा कुछ नहीं था। इस मूवीज़ में आपको एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास की स्टोरी दिखेगी कि उन्हें बिना बोले प्यार कैसे हो जाता है और वो कैसे सोसाइटी को हैंडल करते हैं, और एंड में कि वो कितने आराम से, कितने सटल होके जा रहे हैं, वो बताया। 4/5/4। थैंक यू। फोटोग्राफर, फिल्म बहुत अच्छी। नवाज की एक्टिंग के बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, ऑलरेडी वो लंच बॉक्स कर चुके हैं सेम डायरेक्टर के साथ, क्या खास लगा? खास कुछ, सब कुछ ही खास है उनके बारे में, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस, जो भी वो परफॉर्म करते हैं उनका अलग ही अंदाज है। अगर किसी और को आप, किसी भी एक्टर को ले लो, कोई वो अपने अंदाज में करते हैं, उनका शायद इतना पसंद ना आए। नवाज़ जब करते हैं सर, जो भी काम करते हैं, उनका बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही अच्छा काम होता है उनका। स्टोरी का क्या कहना चाहेंगे, कितनी अलग स्टोरी है? स्टोरी अलग नहीं, रियल लाइफ स्टोरी थी। एक फ़ोटोग्राफ़र कैसी लाइफ जीता है, अगर उसको कोई किसी से प्यार करने लगता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं, आपको पता लगता है कि एक नॉर्मल स्ट्रीट गाय किसी से प्यार करेगा तो कितने स्ट्रगल्स आएंगे उसमें। सो वो नॉर्मल लाइफ दर्शाई है जो रोज़मर्रा की लाइफ में लोगों के साथ होता है, सिर्फ वही है। क्या कंपैरिजन होगा लंच बॉक्स के साथ फोटोग्राफ? बीइंग वेरी ट्रू, लाइक लंच बॉक्स मैंने नहीं देखी थी, सो लंच बॉक्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट ये मूवी पैसा वसूल थी और मज़ा आया मूवी देख कर। प्लीज़ डू वॉच दिस मूवी, मज़ा आया। पाँच में से 5 स्टार। थैंक यू सो मच। मैं फोटोग्राफी देख के आ रहा हूँ। फिल्म बहुत ही अच्छी है और मैं देखना चाहूँगा, एज अ आर्टिस्ट आपको ये मूवी देखनी चाहिए।
बहुत अच्छा काम किया हुआ है डायरेक्शन के लिए, एक्टिंग के लिए, और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की। सानिया मल्होत्रा हमेशा से उन्हें ग्लैमर अंदाज में देखा है, इसमें बिल्कुल डी ग्लैमर है उसके। हाँ, तो उन एक्टिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने देखा था उनके आयुष्मान सर के साथ जो मूवी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा अलग थी बधाइयों में, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल सा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, बहुत ही अच्छा प्ले किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं या सानिया? देखो दोनों का कैरेक्टर जो दोनों को दिया गया है, दोनों ने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, क्योंकि नवाज सर ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा किया है और सानिया मैम ने अपने उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि डायरेक्टर ऑलरेडी लंच बॉक्स कर चुके हैं नवाज के साथ, आपको लगता है कंपैरिजन होगा? सॉरी मैंने ना लंच बॉक्स पूरी देखी नहीं है तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट मैंने ये मूवी देखी तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहिए? स्टोरी बहुत अच्छी है, थोड़ी यूनिक है, एक फोटोग्राफर के ऊपर स्टोरी है, तो थोड़ी सस्पेंस में भी छोड़ी है, थोड़ा ऑडियंस के दिमाग लगाने के लिए भी छोड़ा गया है इस मूवी को, तो आई थिंक देखना चाहिए अच्छी। 4। थैंक यू। आप पूछिए यार, फिल्म ठीक थी? कुछ खास नहीं थी। फिल्म ठीक ठीक थी, कुछ खास नहीं थी। एक्टिंग कैसी थी? नवाज भाई जैसा काम करते हैं उन्होंने सेम काम किया, उनको कोई कुछ कहना बेकार है उनको ऐसा कुछ। सानिया थोड़ा सॉफ्ट लगा इस बारी एज कम्पेयर टू पहले जो काम सानिया ने किए हैं उसके हिसाब से कम था। स्टोरी कुछ खास नहीं थी। क्या लंच बॉक्स से मैच कर पाई? नहीं मैच कर पाई, वो बेटर थी एज कम्पेयर टू फोटोग्राफ। कितने स्टार देने चाहिए? 2.5।